अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज मैं अपनी फुल डे की रूटीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ, और मेरा जो दिन है वो शुरू हुआ है आज की सहरी से। तो सहरी बनाने के लिए मैं किचन में आई थी आज, बस मैं कुछ लेजी हुई थी और मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं कोई स्क्वायर में या बल वाले पराठे बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि आज सिंपल गोल पराठे ही बनाते हैं। तो पराठा होता है, फिर चाहे वो स्क्वायर में हो या गोल हो। अच्छा जी, तो घी वाले पराठे हैं और घी मैं हमेशा कम ही यूज़ करती हूँ पराठों में, और कभी कभी तो मैं रोटी भी बना लेती हूँ अपने लिए, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो पराठे, अगर थोड़ा सा भी घी लगा हो ना तो फिर वो पराठा खाया जाता है बिल्कुल सूखी रोटी भी। सहरी के टाइम ना दिल नहीं करता खाने का। अच्छा, इसके अलावा सुमैया ने ऑमलेट बनाया था, ऑमलेट में इसने चॉप प्याज डाला था, हरी मिर्च और हरा धनिया था, और कबाब फ्राई किए थे। कबाबों की शक्ल काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, हमने कबाब खाने ही हैं। तो आज सालन में वैसे कुछ नहीं था ना, तो फिर हमने सोचा कि शामी कबाब खा लेंगे और ऑमलेट जो है ये खा लेंगे, तो हमारी सहरी जो है वो आज ही हो जाएगी। तो हमने फिर टेबल पे लगाया और अपनी सहरी की। तो आज का दिन ना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वो क्यों था मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आज के दिन मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था और मेरी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई हुई थी, क्योंकि घर की रूटीन बहुत डिफरेंट है मेरी। मैं लेट उठती हूँ, सहरी के बाद ही सोना होता है मैंने, और फिर मैं उठती हूँ जोहर के टाइम, मतलब 1:30 या 2 बजे मेरा उठना होता है। तो आज क्योंकि मुझे जल्दी उठना पड़ गया था, तो मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही थी नींद से, मुझे इतनी सख्त नींद आई हुई थी। तो पूरा दिन बस मेरा बहुत मुश्किल से गुजरा था, और मैं सोच रही थी कि पता नहीं मैं कंटिन्यू कर भी सकूँगी या नहीं। लेकिन फिर मेरी फ्रेंड ने बोला कि रमज़ान की टाइमिंग्स कम हैं, तुम रमज़ान में कर लो, फिर बाद में देखी जाएगी, वर्क फ्रॉम होम कर लेना, लेकिन रमज़ान जो है वो तुम आ जाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, रमज़ान का मंथ करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। खैर, फिर जब मैं घर आ गई तो 5 बजे मैं घर पहुँच गई थी, और नींद मुझे फिर भी बहुत ज़्यादा आई भी थी, लेकिन इफ्तारी का भी टाइम था, मैंने कहा मैं इफ्तारी करके फिर एक ही दफ़ा जो है ना वो सोऊंगी। अच्छा, फिर मैं किचन में आई तो ये सब लोग, मामा और सुमैया, ये लोग तैयारी कर रहे थे इफ्तारी की। तो सुमैया ने जो है वो दही भल्ले बनाए हैं, मीठे दही भल्ले, और इतना थोड़ा थोड़ा करके चाट मसाला डाल रही थी। मैं इससे कह रही थी कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तुम ज़रा जल्दी डाल दो, तो वो कहती है कि मैं तो ऐसे ही डालूँगी, क्योंकि वो भी अपनी कोई वीडियो ही रिकॉर्ड कर रही थी। उसके बाद आलू के पकोड़े बन रहे हैं, वैसे आज ये लोग नहीं बना रहे थे क्योंकि पकोड़ों का हमने थोड़ा सा स्टॉप किया हुआ था, यही सोच रहे थे कि इतनी ऑयली चीज़ें हम लोग खा रहे हैं, तो खाना वगैरह ही बन रहा था 1-2 दिन से। तो आज जब ये लोग इफ्तारी बना रहे थे, तो मैंने कहा कि भाई आज इफ्तारी अगर बन ही रही है तो पकौड़े भी बना ही लेते हैं फिर। तो फिर सब हंस रहे थे कि भाई पकौड़ों से बाज नहीं आ सकते हम लोग। मैंने फिर आलू जो है वो स्लाइस कर दिए थे, और सुमैया जो है अब इनको फ्राई कर लेगी। और ये काले चने की चाट है जो मामा बना रही है, मामा ने फिर अलग से मसाला बना के काले चने की चाट जो है बनाई थी, और मुझे इतना ही पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये जो मसाले के साथ भूनते हैं ना चनों को, और उसके बाद उसकी चाट बनती है प्याज टमाटर डाल के, लीमू डाल के, तो ये बहुत टेस्टी होती है। तो मैं आज बड़ी एक्साइटेड थी, और ये जो है पकौड़े फ्राई कर रही है सुमैया यहाँ पर, और आज मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना, आज मुझसे कोई भी काम नहीं करवा रहा था और मैं सिर्फ वीडियो बना रही थी, क्योंकि आज मैं थकी हुई थी ना, तो सबको पता था कि थकी हुई, इसने काम तो करना नहीं है, तो फिर हम ही कर लेते हैं, और मैं सबका बस रिकॉर्ड कर रही थी कि सब लोग क्या काम कर रहे हैं। तो खैर, फिर हमारा जो है वो टेबल लग गया, अब हम लोग इफ्तारी करेंगे, और आज भी इफ्तारी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी, बहुत मज़ा आया था। और हमारा प्लान था आज फिर इफ्तारी के बाद सदर जाने का शॉपिंग के लिए, कल भी गए थे लेकिन कल मुझे और मामा को कुछ पसंद नहीं आया था, सिर्फ सुमैया के ड्रेसेस आए थे। तो आज बस इफ्तारी करने के बाद हम फिर से जाएंगे और देखेंगे कि हमें क्या पसंद आता और क्या नहीं आता। तो आज जब हम गए ना, आज सैटरडे था, तो आज कल से ज़्यादा रश था। अब यकीन करें कि हर ब्रांड पे, हर शॉप पे इतने ज़्यादा लोग थे कि बाहर तक दुनिया जो है वो खड़ी हुई थी, और वो वेट कर रहे थे कि अंदर से लोग बाहर आएँ तो हम लोग जाएँ। तो हमें फिर समझ नहीं आ रहा था हम लोग क्या करें, फिर हम लोग ईडन ग्रोव चले गए थे क्योंकि वो ऊपर फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे, तो इतना ज़्यादा रश नहीं था। फिर यहाँ से हम लोगों ने 1-2 ड्रेसेस लिए और लाइम लाइट से लिए, और काफ़ी थक गए थे। मुझे बाहर जाके पता नहीं क्यों व्लॉगिंग करना मैं भूल जाती हूँ, मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया।
तो बस मेरा ये छोटा सा व्लॉग था, आई होप आपको पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।